भूखे मर रहे हैं लोग, वहां भूखे भूखी मर रही है। अल्लाह आसानी करे। चाचा जी मैं आपको एक बात, और परेशान नहीं होना, रोना नहीं, और कैसी परेशानी आएगी, ये मुकाबला नहीं कर सकते, हम सबको मारने के लिए आए हैं। अल्लाह इनको समुंदर में गर्क कर दे सबको, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे खाफ लीग है, ये कोई नहीं दे, किसी काम के नहीं है। ये सब अपने पेट भरने के लिए आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। हम खुद गलत हैं जो इनको वोट देते हैं, हमें चाहिए इनको वोट ही ना दें। किसको वोट दें फिर, जो अल्लाह कोई लेके आएगा, एक बंदा ले आए, बाकी सबको मार दे। चाचा जी मसला पता क्या है, शर की और खैर की जंग अजल से अब तक रहनी है, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। कोई नेक बंदे भी तो आते हैं, मौजूद है, उनको हम उनको तलाश नहीं करते चाचा जी, ये आगे आने नहीं देते। आप ठीक कह रहे हैं, हम भी तो तलाश नहीं करते। मुझे एक बात बताए, आपकी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास भी बंदा नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। सिचुएशन ये है कि इस कौम और इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहनों बेटियों ने अपनी किस्मतें कुर्बान की, सब कुछ किया है। सियासी टोपी ड्रामा पिछले 4-6 महीने चला के पूरी कौम पर महंगाई का और अजाब खड़ा कर दिए, करके खुद चले गए। सर चले गए, कोई आ गई मीटिंग देख ले, जो ये मीटिंग करते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। उनका बिजनेस है, कोई बात मैं बता रहा ना कि ये कमाने आते हैं, इतने इतने पैसे करोड़ों रुपए एक वोट के लगाते हैं, वो फिर कहाँ से लेते हैं। आप अपनी जुबान से इनको कोई पैगाम दें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको ले जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, ये अवाम का सोचे। हमसे ये टैक्स लेते हैं, तनखाएं अपनी पूरी करते हैं, सारे मुलाजम जितने पुलिस वाले हैं, कोई भी मुलाजम है, तनखा किससे लेते हैं, अवाम से ही लेते हैं ना। इन्होंने कभी, इन्होंने कभी टैक्स दिया, ये बिल आता है देखो, हर बंदा बिल पकड़े। ये एक सेकंड जी, ये बिल एक और आ गया, मैं बगैर देखे आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी बड़ा बड़ा जुल्म मौजूद होगा, दिखाता हूँ जी। मैं बाबा जी से भी बात करूंगा। अच्छा जी, इन्होंने 573 यूनिट चलाए और टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है इनकी 10,126 रुपए बनती है, यानी 10,126 रुपए की बिजली बाबा जी ने चलाई है। और इनका बिल कितना है, इनका बिल है 20,215 रुपए, यानी कि टैक्सेस शैक्सेस मिला के ये डबल पर फिर भी एटलीस्ट जा रहे हैं, लेकिन इनके हालात उतने बुरे नहीं है जितने बाकी लोगों को दिखाए थे। ये मस्जिद का है, ये मस्जिद का बिल है। हाँ। अच्छा, ये आपका जाती बिल है ये वाला? ना, ये भी मस्जिद का। इधर क्या हालात है? ये देखो, दो मीटर है। अच्छा, ये 6,000 रुपए। अच्छा जी, इधर भी इन्होंने बिजली जलाई है जी, तकरीबन 2,474 रुपए की पे कर रहे हैं इन्होंने, 6,231 रुपए। आप देखें, इमेजिन करें कि 204 यूनिट इन्होंने चलाए हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये इनकी बुजुर्ग की तकलीफ जायज है, लेकिन प्रॉब्लम ये किसी को नजर नहीं आती। आगे चल रहे हैं। अल्लाह की रहमत, सेहत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। कितने पंखे चलाते हैं भाई जी? एक छोटा पंखा, एक छोटा टेडी पंखा, बड़ा पंखा भी नहीं थोड़ी को? ना ना, बल्ब कहाँ लगाया भाई? ये टेडी बल्ब, टेडी पंखा, बस बस। बिल कितना है जी? देख लो। चले जी, इन साहब के जी 13 यूनिट चले में, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, 13 यूनिट चलाकर इनका बिल जो है वो 277 रुपए की इन्होंने टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इनकी एक्चुअली, और इनको जो बिल आया है वो 7,053 रुपए आया है। यानी आप इमेजिन करें कि 275-76 रुपए की बिजली जला के इनको 7,000 से ऊपर बिल अदा करना है, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? महसूस कर रहे हैं, वो बिल उतारेंगे लोग आपस में झगड़े हैं, असेंबली में बिल लोगों को भेजे हैं, असेंबली में झगड़े, रोटी खाइए या बिल दीजिए, समझ ही नहीं ना आ रही, समझ नहीं आ रही। अगर ये बिल नहीं देंगे तो मीटर ला के ले जाएंगे, तो ले जा, ला के बिल तो देने नहीं पाए नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्यों आंखें क्यों नम है? वो बीमार हूँ, बीमार हूँ। अल्लाह आपको आसानी करे, अल्लाह आपके लिए सेहत का मामला करे। कितने बच्चे हैं? और क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना हमने।
हम कमजोर नहीं है, जालिमों को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी हमने। क्या हो गया आपको? हमने इनको बताना है कि हम लोग आपको फेस करेंगे, इलेक्शन आने दे, दुआ ये करें जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। ये सियासतदान आपके पास आए तो इनको इस तरह कमजोर होके ना दिखाना। नहीं, हम तो नहीं दिखाते। इनको आपने थड़े से नीचे उतार रहे हैं। उतार देंगे इंशाल्लाह। किसी जमात का उन्हें कहेंगे भाई जाओ पहले कुछ इंसान बन के दिखाओ। हम रोजाना आपकी वजह से खुआरी काटते हैं। मैं अल्लाह की कसम, मैं ऑन एयर ये बात आपको कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिस दिन आप लोग इन्हें सीधे होंगे ये इंसान बन जाएंगे। ये नहीं बनेगा। इधर से एक सियासतदान घुसता है बाटी गेट से, कोई भी सियासतदान हो, उसको कंधों पर उठाना शुरू करते हैं और उसकी जूती तक गंदी नहीं होती, वापस उसको उसकी गाड़ी में हम छोड़ के आते हैं। बाबू वो मसला बना ना हमारे लिए, मिजाज खराब हो तो ही मिल रहा। हेलो, ये देखो। हेलो जी, एक और बिल आ गया जी। अच्छा जी, ये 70,000 वाला बिल है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ना बिल देख के ना, ये बिल किसी को भेजा जाए ना, जिंदा रिश्ता नाना हो रहा हो, आपने घर का बिल भी खा देना 70,000 का, उनका दस्ती रिश्ता हो जाएगा। कहते को 5-7 एसी होने ने है, पता नहीं क्या क्या इसके शशके होंगे। तो ये है रिश्ते वाला बिल, अब मुझे नहीं पता किसका है। भाईजन इधर अगे आओ जनाब, माशाल्लाह पीछे हो सर। ये बिल है, ये बिल है, ये दिखा के आज के हालात में रिश्ता हो सकता है। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड जी, इन्होंने चलाए हैं जी 521 यूनिट्स और इनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो 11,117 रुपए है। यानी 11,000 की बिजली जला के इन्होंने 70,000 रुपया देना है। कैसा महसूस कर रहे हो? बस जी, असि बड़े टेंशन दे चे गया, टेंशन दे चे सो गया सा जी, ते बस हुन लाहर फिर नहीं खुश थे होना वेले ना है ना, खुश थे होना ही लगी वैसे कोई सारी वाम दे नाल है, इसे गलो मैं है कि चलो जिदो मीटर ला दे सारी वाम दे ही ला दे। अच्छा मेरे को काल दसो, होंदा की है कि असी भी तो जुगाड़ कर लेने हैं ना। हाँ जी, इस इलाके का लाइनमैन जो है उसके लिए तो आजकल बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लाइनमैन जेड़ा वीडियो ला देगा, हां हां उनका बिल चले आ जाएगा, उनकी मौत हो जाएगी। चीज वाकई है कि जेड़े चोरी करदे पेने उनां वास्ते बड़ी आसानी है, हर बंदा चोर है। उनां लगदा ही नहीं कोई मसला है, उनां नूं कोई मसला ही नहीं है, वो निकलदे ही नहीं बाहर। इत्थे फैक्ट्रियां चल रही है, देखो ना साडा इत्थे कम किन्ना कु है, 10-10 रुपए दी कौन भेजने पे, 10-20-30 ठीक है। हां जी ठीक है, ओ साडा यार, ओ भाई, ओ बड़े हो, ओ सियाणे हो, ओ सब सियाणे हो, इसमें सियासतदान भी, सरकारी मुलाजिम भी, और वो ना वो लोग भी जिनका नाम लेने से जुबान चलती है। मैं सबसे बात करूं, साइड पे हो जी। ये कौन है? ये कौन वाले का बेटा था? ये इसकी दो मशीनें और इस बेचारे ने 70,000 रुपए आपको देना है बिल के मद में इस महीने। एक्चुअली इसने 11,000 की बिजली जलाई थी, लेकिन इसको 70,000 रुपया नहीं देगा तो ये कौन बना के नहीं बेच सकता, आप इमेजिन करें। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात होगी, किसी बड़ी इंडस्ट्री की, किसी सेठ और नवाब की इंडस्ट्री की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कुंडी पे भी चलती है। आगे चल, 6 यूनिट है, 1880 रुपए बिल है, 1100 रुपए यूनिट पड़ा है, छोटी सी दुकान है, इसका क्या हल होगा ये बताएं जरा। 6 यूनिट होगा, मोटरसाइकिलों की बाइक की दुकान है, एक बल्ब है, एक पंखा है, आप हम चले हमारे साथ, आपको दिखा भी सकते हैं। ये पिछली गली में है, बिल मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्होंने 6 यूनिट चलाए, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इनकी तकरीबन 160 रुपए है। 160 रुपए की बिजली जलाकर इन्होंने 6,880 रुपए बिल देना है, और अभी हमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। भाई जी नहीं देंगे टैक्स? सारे देंगे, क्यों नहीं देंगे? लो फिर इंजन ले लेंगे, नहीं वे बिजली काट लेंगे, बिजली काट लेंगे ना, जमा कराइए थे। कल इसकी आखिरी तारीख है, क्या करें, जमा तो करवाना ही पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। वो मजबूरी है। किसने कहा था आप 6 यूनिट चलाए? रह नहीं सकते सी, ए 6 भी जलाने दी केड़ी लोड़ सी? ए भी गल तुहाड़ी सही है, हुण बंद ही रखो, वैसे ही मोमबत्तियां चलानी पैनियां जे। मैं आपको सही बताऊं, एक सेकंड सुने सुने, हम ना लॉजिक पे बात करते हैं। रोजाना मोमबत्ती दुकान में चलाएं तो 6,000-6,500 की तो नहीं ना जलेंगी? नहीं जलेंगी, 2,000 दी चल जाएंगे, प्रॉफिट ही रह जाओगे। बिल्कुल, हाथ वाला पक्का लेके बैठ। ये 6 यूनिट क्यों जलाए थे, क्यों जुल्म किया आपने? ये तो 7,000 रुपया देना पड़ जाएगा 6 यूनिट। ये तो मरियम नवाज को पूछना पड़ेगा ना, ये 100 यूनिट नवाज नु सारे नु पूछो, मेरे को जिन्नू मर्जी पूछो, लेकिन ये 6 यूनिट ना चलाए फिर इससे बेहतर है। ये देखे ना, 100 यूनिट चलेंगे बिल ही नहीं आना, वो तो गाड़ी थी जलसों में।
ये भी है। वोट लेने से तुसी दिते नहीं, सियासतदान ने सियासत ते करन गई। हां बस ऐसे ही है। ये देखे ना, ये देखे, पहले बिल आता था 224, 223, 235, ये देखे आपके सामने ही है। अच्छा जी, जून 2021 में इनका बिल था जी 224 रुपए, और जून 2022 में 6 यूनिट ही पिछले जून में इन्होंने चलाए थे पिछले साल, ते 6 ही बड़े कंसिस्टेंट है, 6 से 8 यूनिट के दरमियान, 9 यूनिट के दरमियान ये साहब रहते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तरक्की एक साल में बड़ी की है, इन्होंने 224 रुपए से 6,880 रुपए तक की तरक्की की है। क्लैपिंग, इमेजिन करें